गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का हॉट टॉपिक है अपना कावासाकी Z650 2021 एडिशन। 68 PS का पायलट ट्विन मोटर जो ऐसी पावर आपको प्रदान करता है, ऐसी पावर निकालता है, ऐसी पावर आउटपुट है कि भाई आप इसके दीवाने हो जाओगे। तो चलो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। But we got six for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put on work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know about hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your lace. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz. He was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now he getting paid every single day. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कावासाकी Z650 के बारे में छोटी मोटी बातें। मतलब कि मान लो आपको एक मिड सेगमेंट में बाइक चाहिए, मतलब कि हाफ लीटर क्लास में कोई भी आपको बाइक चाहिए, तो आप Z650 पे जा सकते हो। उसका रीज़न ये है कि भाई इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और इसके अंदर जो फीचर दिए हुए हैं वो इस प्राइस रेंज में आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ये एक ऐसी बाइक है, इसे मोस्टली हर राइडर अफोर्ड कर सकता है। ये वाले जो फीचर हैं मुझे लगता नहीं कि भाई और दूसरी बाइक में मिलेंगे इस प्राइस रेंज में। क्योंकि भाई इसके अलावा एक होंडा की बाइक भी आती है CB650, इंटरसेप्टर 650 भी आती है, बट इंटरसेप्टर 650 से इसका कंपैरिजन बनता नहीं है। क्योंकि यार इंटरसेप्टर 650 जो है ना रेट्रो क्लासिक टाइप बाइक है, और ये भाई फुल्ली हाइपर स्मूथ, सुपर स्ट्रीट नेकेड बोल सकते हो आप इसको, और भी मतलब बहुत सारे नाम है। ये टूरर भी, हाँ नेकेड है तो टूरर होगी, और स्ट्रीट फाइटर है तो भाई एक अलग ही फील देती है चलने का। सो इसका इंजन देख लो यार, इंजन का साइज भी देख लो यार, 650 CC का इंजन है। और दोनों दोस्तों आपको दिखा देता हूँ क्या यार इंजन, मतलब एक कॉम्पैक्ट बाइक में इतना बड़ा इंजन, ऐसा लग रहा है कि एक कॉम्पैक्ट बाइक के अंदर बड़ा इंजन लगा दिया हो। सो गाइस आ गए इसके कंसोल पर। इसके कंसोल में आप देख सकते हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, गियर इंडिकेटर है, RPM है, स्पीडोमीटर, फ्यूल रेंज, और ब्लूटूथ, एक मैसेज का भी आइकन दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद कितना माइलेज दे रही है वो भी, इंजन टेम्परेचर और टाइम। उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर हैं जो कि ये दो कीज प्रेस करने के बाद आ जाते हैं। ये आपका व्हीकल सेटिंग, यहाँ से अपन दो दबाएंगे तो बैक आ जाएंगे। व्हीकल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, उसके बाद सर्विस, ब्लूटूथ, यूनिट के अंदर अच्छा स्पीड, आपके MPL या MPH जो भी आपको सेट करना हो, फ्यूल माइलेज और टेम्परेचर यूनिट, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ ECU की लाइट है और ये ABS की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो अब सुनाते हैं आपको एग्जॉस्ट नोट। बाइक मैंने न्यूट्रल कर दी और काफ़ी लाउड साउंड है यार बाइक की। और हमारे भाई ने छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करवा रखी है इसके अंदर, जैसे ये क्रैश गार्ड हो गया और रेडिएटर ग्रिल हो गया। ये आज की डेट में अगर नेकेड बाइक हो तो यार उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे ये हेडलाइट के नीचे विंगलेट हो गया, ये आप देख सकते हो फ़ोन से पूरा कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के थ्रू, और अपना सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे भी चेक कर सकते हो कि भाई कितना माइलेज निकाल रही है। अभी फिलहाल 12.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आ रहा है ना, और बैटरी के वोल्टेज 12.3 वोल्ट है, ऑयल चेंज 11,950, राइडर सेटिंग, ये सारी चीज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। ये राइडिंग लॉग है, ये ट्यूनिंग का सेटअप है, और ये जनरल सेटिंग है। कहने का मतलब ये कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस बाइक के साथ, मतलब कि फुल्ली लोडेड आप बाइक बोल सकते हो इसको, मतलब कि एक स्मार्ट बाइक की कैटेगरी में पूरी खरी उतरती है ये बाइक। CB650R के प्राइस से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो दोनों बाइकों के प्राइस में काफ़ी फर्क है। सो गाइस चलो इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो इंजन है वो 649 CC का डुअल सिलेंडर इंजन है, मतलब कि पैरेलल ट्विन इंजन है, जो कि लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक इंजन की कैटेगरी में आता है। और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 68 PS 8000 RPM पर, और भाई इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 64 Nm 6700 RPM पे, मतलब के 64 Nm 6700 RPM पर। कावासाकी का नाम है भाई, स्मूथनेस के नाम पे कावासाकी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। फ्यूल टैंक की बात की जाए तो भाई इसमें जो फ्यूल टैंक है वो है 15 लीटर का, और माइलेज जो अभी भाई को मिल रहा है वो मिल रहा है लगभग 18 किलोमीटर पर लीटर का, मतलब कि 18 KMPL। सो गाइस अगर हेडलाइट की बात की जाए तो आगे जो है LED है और पीछे भी LED दी है, और इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो इंडिकेटर जो है इसमें बल्ब में ही है, नॉर्मल बल्ब के अंदर जो आते हैं जैसे और अदर बाइक्स के अंदर है, और पीछे LED आप देख सकते हो ये।
ये जी टाइप का एक डिजाइन दिया हुआ है, मतलब जेड टाइप का, हमारे यहाँ तो जेड ही बोलते हैं उसको। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे रियर मोनो शॉक है। सस्पेंशन भाई मैंने अभी बाइक चलाई है, सस्पेंशन क्या काम करते हैं यार। बॉडी बैलेंस की अगर बात करूँ तो भाई इतनी निम्बल बाइक है, इतनी मतलब ईजी टू हैंडल बाइक है, आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप 650cc की बाइक चला रहे हो। मतलब इतनी ईजी टू राइड बाइक कह सकते हो आप इसको, कि आप सिटी में, ट्रैफिक में, हाईवे पर, कहीं भी आप इसको ले जाओ, आपको फील ही नहीं होगा कि 650cc की बाइक आपके नीचे है। बस ऐसा लगेगा यार एक पॉकेट रॉकेट नीचे है और मैं थ्रॉटल मार रहा हूँ, रॉकेट की तरह निकल रहा हूँ। गाइस अगर टायर की बात की जाए तो फ्रंट टायर का जो साइज़ है वो है 120/70/17 और रियर टायर साइज़ की अगर बात की जाए तो रियर टायर है 160/60/17। मतलब कि आगे वाला जो टायर है वो है 120 और पीछे वाला जो टायर है वो है 160/160 और टायर जो दिए हुए हैं इसके अंदर वो दिए हुए हैं डनलप के। गाइज अगर ब्रेक की बात की जाए तो फ्रंट में दी हुई है डुअल डिस्क 300mm की और रियर में दी हुई है 220 सिंगल डिस्क और निसिन के ब्रेक्स हैं भाई। निसिन के ब्रेक्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, होंडा वाली वीडियो में, कि भाई निसिन के ब्रेक का तो जवाब ही नहीं होता है। और भाई डुअल चैनल ABS है एज स्टैंडर्ड बाइक के अंदर। गाइज अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए कावासाकी Z650 की तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 130mm। 130mm थोड़ा सा यार कम है ग्राउंड क्लियरेंस, एटलीस्ट 160mm होना चाहिए बाइक के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से बाइक दिए उस हिसाब से भाई ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर ये 160mm के आसपास दे देते तो और मज़ा आ जाता। लेकिन उसका भी एक अल्टरनेट है कि आप इसके अंदर कस्टम एग्जॉस्ट लगा सकते हो, उसके थ्रू थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस पे आपका फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर इसके वेट की बात की जाए तो इसका कर्व वेट है 199 kg। 650cc की बाइक का जो कर्व वेट है वो है 191 kg। सोचने वाली बात है, मतलब कि कम से कम 200 kg की बाइक आती है। आप इंटरसेप्टर के वेट से अगर इसको कंपेयर करो तो वो भी 200 kg के आसपास है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका जो वेट है 191 kg है तो इसको चलाना कितना आसान होगा, इसको राइड करना कितना आसान होगा, ये कितने अच्छे तरीके से हैंडल होती होगी। एक चीज़ और मैं यहाँ कंफर्म करा दूँ आपको, ब्लूटूथ के साथ साथ इसके अंदर वाईफाई भी है। गाइस अगर कावासाकी Z650 की सीट हाइट की बात की जाए तो इसकी जो सीट हाइट है वो है 790mm। 790mm का मतलब है भाई कि इसको 5.2 से लेके और 6 तक का बंदा आराम से राइड कर सकता है। 780 और 790mm एक ऐसी सीट हाइट है जो भाई एक सबसे अच्छी और कंफर्ट लेवल की सीट हाइट मानी जाती है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कावासाकी Z650 के प्राइस के बारे में। इसका जो प्राइस है वो है 6,24,000 एक्स शोरूम दिल्ली। उसके बाद आप अपने स्टेट के हिसाब से RTO और इंश्योरेंस की जो भी कॉस्टिंग होती है वो आप जोड़ सकते हो, मतलब 7,20,000 या 7,30,000 के आसपास ऑन रोड दिल्ली के अंदर ये पड़ जाती है। और भाई एक चीज़ और बता दूँ, जिनकी ये बाइक है हमारे अमित भाई की, वो इससे पहले राइड कर रहे थे बेनेली 600 और TVS की RR310। बस उन्होंने ये एक बार बाइक राइड करके देखी थी, मतलब वो बता रहे थे कि भाई मैंने ये एक बार ही चला के देखी थी Z650, मैं इसको देखना चाहता था कि ये बाइक चलने में कैसी है, और मैंने चलाई और मुझे चलाते ही ये बाइक पसंद आ गई और मैंने उठा ली। सो गाइस अब इसको टेस्ट राइड करने की बारी, जिसमें मैं चेक करूँगा इसका ब्रेक सिस्टम और बॉडी बैलेंस और भाई इंजन की वाइब्रेशन, स्मूथनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक करके आपको बताऊंगा और राइडिंग पोस्चर कैसा है वो भी बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी होंडा CB350 RS की, आई बटन में लिंक आ रहा होगा ऊपर, जाके चेक कर लेना और बताना कि वीडियो कैसे लगी, वहाँ पर भी कमेंट करके बताना वीडियो पसंद आई या नहीं आई। तो चलो मिलते हैं GoPro पे सीधा। सो गाइस चलते हैं Z650 को राइड करके देखते हैं और बताते हैं बाइक कैसी है। भाई चीज़ है भाई, पता ही नहीं लग रहा है तुम इतनी भारी बाइक चला रहे हो यार, सच में यार गजब का फ्रेम है भाई इसका। मतलब इतनी लाइट लग रही है बाइक चलाने में यार, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत हल्की बाइक चला रहा हूँ। वैसे बाइक में वेट है अच्छा खासा, लेकिन भाई बहुत लाइट बाइक लग रही है, बहुत लाइट, सिटी के लिए, ट्रैफिक के लिए परफेक्ट है भाई। सनवाइज़र नीचे कर लेते हैं हेलमेट का, धूप लग रही है काफ़ी यार। चलो हो गया नीचे, अब थर्ड गियर में अपन है और यार बहुत इफ़ेक्टिव ब्रेक हैं। कुछ टाइम पहले मैंने भी अपग्रेड करने की सोची थी, तो मैं भी सोच रहा था कि यार Z650 पे जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो फिर ग्राउंड क्लियरेंस को लेके ना मुझे लग रहा था कि यार दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखी थी उसमें ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत प्रॉब्लम बता रहे थे लोग। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि यार इतनी दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि यार मोस्टली हाईवे पे ही राइड करनी है, हिल्स पे राइड करनी है, ऑफ रोड कितनी करनी है यार, और अगर ऑफ रोड करनी भी पड़ी तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो सोच रहा हूँ कि भाई मैं भी Z650 पे अपडेट हो जाऊँ
मतलब कि अपग्रेड हो जाऊं। तो मैंने छठा गियर लगा दिया है। वैसे मेरा इरादा जो था वो इंटरसेप्टर 650 लेने का था R3 के साथ साथ, क्योंकि मेरा R3 बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं था भाई। वो इंजन तो मुझे मतलब छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो ये कसम खा रखी है कि भाई इस इंजन को नहीं छोड़ना कम से कम 6-7 साल तक। और तो मेरा बीच में प्लान बन गया था कि यार चलो एक नेकेड बाइक ले लेते हैं, इंटरसेप्टर 650 मुझे पसंद आ रही थी। बट यार बहुत सारी चीज़ें थी यार उसके अंदर जो मेरे को ना समझ नहीं आ रही थी, जैसे कि उसके एग्जॉस्ट की जो लुक्स है वो ऐसे मतलब ऐसे निकली हुई है यार, तो वो अजीब सा ओड सा लगता है। दूसरा उसका स्पीडोमीटर की जो लुक्स है भाई, ऐसा लगता है कि भाई क्या ही बताऊँ यार, बैटरी वाला रिक्शा होता है ना वैसी फील देता है। तो उसका मीटर देख के मुझे मज़ा सा नहीं आया, फिर मैंने सोचा यार कैंसिल करो 650। और उसमें फिर पंचर का भी बहुत पंगा था यार कि बाइक में अगर पंचर हो जाए तो फिर उसमें ट्यूबलेस टायर तो है नहीं, जुगाड़ करना पड़ता है, फिर वो अपने मतलब की बाइक नहीं है भाई। हालांकि इंजन बढ़िया है, स्मूथ है। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे अपने Z650 पे। ठीक है, तो अभी अपन रश में है थोड़ा, तो छठे गियर में मैंने बाइक डाल दी और ये फील हो रहा है कि भाई 68 BHP चला रहा हूँ, गजब है यार। 90 पे ब्रेक टेस्ट, वाह जी वाह। पीछे कोई नहीं है, शीशे नहीं है बाइक के अंदर, आ जाएंगे लेकिन ऑर्डर किए हुए ये शीशे भी लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी ट्रैफिक में इसको थोड़ा जिगजैग, क्या बैलेंस है भाई, क्या बैलेंस है, वाह पावर भाई। वाइब्रेशन नहीं है बाइक के अंदर, पावर तो है ही, वाइब्रेशन नहीं है बाइक में बिल्कुल भी। गाइज अगर इसके मेंटेनेंस की बात करूं तो मेरी राहुल से बात हुई थी जो कावासाकी वेस्ट में है मेरा फ्रेंड, उसने मुझे बोला था कि शानू भाई जो जितनी भी 650 cc की बाइक हैं ये कावासाकी की, इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो लगभग 6.5 से 7.5 हज़ार के बीच आती है, और कुछ पार्ट्स एक्सपेंसिव हैं और कुछ नॉर्मल प्राइस में हैं। तो भाई वो ये कि अगर आप सुपर बाइक रख रहे हो तो भाई थोड़ा बहुत तो खर्चा तुम्हें उठाना ही पड़ेगा यार। अब ऐसा तो नहीं कि भाई आप सुपर बाइक भी रख लो और खर्चा करो स्प्लेंडर वाला, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। वो पॉसिबल तो बस R3 पर है मतलब यामा की बाइक ऊपर है मजाक कर रहा हूँ। उसकी भी जो लीटर क्लास की बाइक है, मतलब यामा की जो लीटर क्लास की बाइक है, उनका भी भाई काफ़ी खर्चा है। तो मैंने इसका सस्पेंशन चेक किया और सीट कितनी सॉफ्ट है ये भी चेक किया, और भाई ब्रेक सिस्टम चेक किए, इंजन के अंदर वाइब्रेशन लेवल कितना है वो भी चेक किया। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद भाई मैं अगर इस बाइक को रेटिंग देना चाहूँगा तो वो दूंगा 4.5 स्टार, क्योंकि भाई बाइक में है दम और काबिले तारीफ बाइक है। अगर कोई Z650 लेने की सोच रहा है तो भाई ले लो, उठा लो, बाइक पास है मेरी तरफ से। सो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो कावासाकी Z650 2021 एडिशन की, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना लाइव अपडेट के लिए, किसी बाइक के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। बाइक वाकई बहुत शानदार है भाई, एक बार फिर बोलूँगा बाइक वाकई बहुत शानदार है। टूरिंग के लिए तो भाई ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मशीन है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। स्मूथ इंजन के साथ कंफर्ट राइड, सॉफ्ट सीट, राइडिंग पोस्चर शानदार, और पावर मतलब जितनी 68 PS की पावर इसके अंदर दी है ना वो बहुत सही दी है यार, बहुत सही सोच समझ के दी है डुअल सिलेंडर के अंदर, पैरेलल ट्विन इंजन के अंदर। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।